तो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे थे बेटा, और उसमें अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन सीख लिए थे, इंटरनल एनर्जी में चेंज का कैलकुलेशन अपन ने सीखे थे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था, है ना, फ्लूइड मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का मतलब ये, यहाँ पे थीएसडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट फॉर्म। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सिंबॉल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, और साइन कन्वेंशन भी ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन देख लिया है, डेल्टा यू का देख लिया है। अभी वर्क डन का कैलकुलेशन है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है। सबसे पहले पीवी ग्राफ से, तो पीवी ग्राफ से इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, इधर पे है प्रेशर, इधर पे है वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लो मीटर क्यूब पे है, प्रेशर सपोज पास्कल पे है, ठीक है ना। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में जैसे मान लो ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे प्रेशर मान लो कितना है 3 मोल है, और यहाँ पे प्रेशर मान लो कितना है 2 3 मोल है, और ये मान लो वॉल्यूम कितना हो गया 2 मोल है। तो जो वर्क डन आएगा बेटा वो पूरा कौन सा वाला रहेगा वर्क डन, ये जो एरिया होता है ना पूरा, इतना दिस एरिया विल बी टोटल वर्क डन, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर A1 और A2, अगर मान लो गैस यहाँ पे A से B की तरफ जा रही है यहाँ पे, तो जो वर्क डन आएगा जैसे ये स्टेट A है ये स्टेट B है, तो वर्क डन का कैलकुलेशन किसके हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B इट इज पॉजिटिव एंगल एरिया A1 प्लस A2, ठीक है। ध्यान रखना अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क डन पॉजिटिव। तो ये देखो यहाँ पे केवल मतलब ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में 1/2 बेस इनटू हाइट वोल्टेज 2p0 माइनस p0 एंड प्लस a2 मतलब क्या, यहाँ पे रेक्टेंगल है एंड इट विल बी p0 v0, तो इट इज 1/2 p0 v0 बचेगा प्लस p0 v0 एंड ओवरऑल आंसर इज 3/2 p0 v0। तो पीवी ग्राफ में हमें कौन सा एरिया लेना होता है, एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस लेना पड़ता है, ठीक है। कौन सा एरिया लेना पड़ता है, एरिया एरिया अंडर अंडर वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सिस। एक्सिस, और एक बात ध्यान रखना अगर सर वॉल्यूम एरिया बढ़ रहा अंडर है, पीवी ग्राफ नहीं बोल सकते क्या सर, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। नहीं एरिया और पीवी ग्राफ में फिर कौन सा एरिया, ये भी तो एक एरिया बन रहा है ना, बट ये मीनिंगलेस है, हमको कौन सा एरिया चाहिए, एरिया वॉल्यूम अंडर एक्स। पीवी हाँ कर्व। ओके, पीवी ग्राफ में से हमने कैलकुलेशन किया, इट इज एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस वाला एरिया चाहिए वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए, समझ गए, समझ गए। यस सर यस सर ओके यस सर हमें वॉल्यूम एक्सिस वाला एरिया चाहिए, ठीक है ना, बाकी एरिया नहीं चाहिए, वॉल्यूम एक्सिस का एरिया चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल सर समझ में आ गया सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का ले लिए क्या, सर ले लिया सर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे पेज नंबर 2 देखो, दिस इज पेज नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन चल रहा है। अगर बेटा मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस ऐसी दी है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया, यहाँ पे प्रेशर दिया, ये इस वजह से साइक्लिक प्रोसेस दी है, और ये क्लॉकवाइज साइकिल है, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी मॉडल ये 2 v0, या फिर इसको v1 ले लेना,
इसको क्या ले लेना है यहाँ पे बी टू, ये प्रेशर हो गया पी वन और ये प्रेशर कौन सा हो गया यहाँ पे पी टू, है ना। तो जो वर्क डन आएगा वो इतनी साइकिल का एरिया रहेगा, इसका एरिया कैसे निकालोगे यहाँ पे, ये सर्कुलर पास सर इस ग्राफ के हिसाब से तो एक वॉल्यूम पे दो प्रेशर अवेलेबल है सर, ऐसा कैसे होगा सर? कहाँ पे इस ग्राफ में अगर से सर सर्कल का डायमीटर नहीं ना बेटा, नहीं 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 यहाँ पे एक प्रेशर एक ही जगह पे मिलेगा सर, पूरी तो। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है क्या? मतलब सर अगर से देखो सर समझ पैरेलल गया टू समझ गया, लेकिन ऐसा हो सकता है ना टेम्परेचर, हम अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा तो हो सकता है एक ही वॉल्यूम पे दो प्रेशर, क्योंकि तुम्हारे पास इक्वेशन क्या होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है ना, बाकी पैरामीटर चेंज हो सकते हैं ना भाई, समझ यस सर, आप गए? समझ गया सर, यस सर समझ गया सर, काइनेमेटिक्स थोड़ी है ये कि एक पोजीशन पे एक ही टाइम पे होगी यहाँ यस सर पे। उसका ही कंसेप्ट लगाया था सर, इसलिए पूछा ओके मैंने, ओके अभी समझ गया। तो यस सर यहाँ समझ पर गया क्या सर, जो वर्कडन आएगा, ये वाला वर्कडन आएगा ये एरिया, और ये एरिया अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये पॉजिटिव एरिया लेना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल रहती तो क्या लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव एरिया लेते हैं, नेगेटिव ठीक नेगेटिव। है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा इसमें पाई इंटू, अब इसमें गड़बड़ ये करते बच्चे पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन पाई आर स्क्वायर जैसे नहीं लेना, यहाँ पे आप इलिप्स का एरिया जैसे फॉर्मूला लगाना, क्योंकि तो इधर वॉल्यूम एक्सिस इधर प्रेशर एक्सिस है, वी टू माइनस वी वन बाई टू इंटू पी टू माइनस पी वन बाई टू करना कभी भी, ठीक है। इलिप्स का एरिया पाई इंटू ए बी वाला एरिया लगाना, इलिप्स का जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं ना पाई ए बी, तो इधर की रेडियस अलग रहेगी और इधर की रेडियस अलग रहेगी, जैसे इलिप्स का एरिया होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है आपको इलिप्स के एरिया वाली, अगर सर्कुलर पाथ दिख रहा है और क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर, अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल के फॉर्म पे लेते हैं, जैसे मान लो इधर पे वॉल्यूम एक्सिस हो गया, इधर पे प्रेशर एक्सिस हो गया, और ये ग्राफ ऐसा बन गया, नेट वर्क डन ए से बी कितना, बी से सी, सी से डी और डी से ए वापस, तो अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग वर्क डन आएगा यहाँ पे, है ना, अलग अलग प्रोसेस पे ए से बी जो प्रोसेस है या जो पाथ है, ए से बी पाथ में वर्गन कितना रहेगा, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए कौन सा वाला एरिया आएगा पूरा कंप्लीट एरिया, कौन सा वाला रहेगा कंप्लीट एरिया ए से बी के लिए वर्गन, ये कितना नीचे तक का एरिया आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, यस सर, यस सर, तो ये टोटल हो जाएगा ये रेक्टेंगल और फिर एक और नीचे रेक्टेंगल, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये इट इज टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू, ये कितना यहाँ पे टू पी नॉट माइनस वी नॉट प्लस ये नीचे का कितना हो गया ये पी नॉट इंटू टू पी नॉट माइनस वी नॉट, समझ गए? तो व्हाट विल बी द ब्लैक टोटल बोर्ड का एरिया, उत्तर पोर्शन चमक रहा सर, पी नॉट वी नॉट फिर से पी नॉट वी नॉट एंड इट विल बी टू पी नॉट वी नॉट। बेटा अभी वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना आएगा, बी से सी में वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या बी से सी में, वॉल्यूम चेंज सर नहीं है इसलिए नो जीरो, सर, सिंस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, मतलब आइसोपोरिक प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। फिर सी से डी में निकाल लो, सी से डी में आएगा नेगेटिव वर्क डन, है ना, क्यों नेगेटिव वर्क डन आएगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी पी नॉट इनटू टू वी नॉट माइनस वी नॉट एंड इट इज माइनस पी नॉट वी नॉट, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है नॉट द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड वर्क डन फ्रॉम डी टू ए कितना आ गया जीरो, सिंस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सर वॉल्यूम नेट ए टू भी एक बार बताओ सर, वहां पे बोल्ड ए साइन कर टू रहा था सर बी, तब, नहीं ए टू बी मतलब पूरा एरिया बेटा, इतना यहां से यहां तक वॉल्यूम एक्सिस का पूरा एरिया चाहिए, ए से बी अकेला रहता तो ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का पूरा एरिया, ठीक है, समझ गया? यस सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकालना पड़ेगा ना,
हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे, क्योंकि या तो फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, मैंने अलग अलग कर दिया था, तुम कहा तो सीधे सीधे निकाल लेते, जरूरी है इतना बड़ा करते आपका, तो सीधे सीधे कर देते, बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा आपको, तो सीधे सीधे कर देते कितना, 2p0, 2p0 इनटू, और ये तो ये हो गया, और ये वाला कितना आएगा, 2b0 - b0, एंड व्हाट विल बी द आंसर, 2p0 b0, समझ गया। हेलो, यस सर, यस सर, डिस्टेंस ओके, फार्मूले लगाया सर। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। अच्छा नेट वर्क डन कितना आएगा यहाँ पे, व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब पूरा साइक्लिक प्रोसेस, तो ये वाला है प्लस V p नॉट नॉट एंड माइनस p नॉट v नॉट, आंसर विल बी प्लस p नॉट v नॉट, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है, तो जो नेट वर्क डन है वो सिर्फ ये वाला एरिया रहेगा, देख इतना यहाँ पर का एरिया हो गया, और नेट वर्क डन में कौन सा वाला एरिया, कितना एरिया क्या रहेगा नेट वर्क डन में, बिल्कुल भी पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल होने के कारण नेट वर्क डन कैसा यहाँ पे पॉजिटिव है, समझ गए। यस सर, यस सर। ओके स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या, यस सर, ले लिया सर। पेज नंबर 3 पे आती है अभी। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ गया आपको, वर्क डन प्रेशर यस सर, यस सर। वॉल्यूम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब हम लोग देखते कौन से वाले से, सेंसर, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हमारा चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, अब अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हो सकता है आपका, है ना, तो हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब आएगा, बट वर्क डन को आप स्ट्रेस के बाद वो इंटीग्रेशन पीडीवी लिमिट वीआई से लेकर कहाँ तक, वी एफ, ठीक है, लिमिट वीआई से लेकर वी एफ तक, और अगर मान लो यहाँ पे इफ प्रेशर इज कांस्टेंट क्वांटिटी देन वर्क डन डायरेक्ट निकाल देना पी डेल्टा वी या फिर P इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये वर्क डन का फार्मूला है सीधा सीधा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करके निकालोगे, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करके निकालना होगा। वैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इफ पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v² देन फाइंड वर्क डन, अब वर्क डन कैसे निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा पी इक्वल्स टू k/v² लिख सकते हैं अपन, सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू पी डी वी, लिमिट आ जाएगी वी आई से लेकर वी एफ, इंटीग्रेशन वी आई से लेकर वी एफ, और यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या लिख दोगे, k/v² dV, k कांस्टेंट है बाहर जाएगा, vi से लेकर vf, vp·-2 dV, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी लिमिट, ये कितना आएगा यहाँ पे vp·-2 + 1/-2 + 1, लिमिट आ जाएगी vi से लेकर vf, एंड नाउ इट विल बी k, यहाँ पे बचेगा -1, तो माइनस सर के बाद बोर्ड का उत्तर पोर्शन साइन कर रहा सर, आप नहीं साइन कर रहे हैं, तो कर रहा सर। ज्यादा साइन कर रहे हैं, ठीक है अभी कर रहा है, तो सर, इसका ये इंटीग्रेशन समझ गए ना आप लोग, अब यहाँ पे हम लोग बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, देखो इट इज -1/3 एंड वी आई टू वी है, ये सॉल्व करने पे हो जाएगा -k 1/vf -1/vi,
ठीक है, और के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो के अपॉन डी आई माइनस के अपॉन डी एल, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस वाला टर्म पहले लिख दिया मैंने। और के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर से के की वैल्यू इक्वेशन से क्या जाएगी, के इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे के की जगह पे आप लिख दोगे पी आई डी आई स्क्वायर अपॉन डी आई माइनस पी एफ डी एफ स्क्वायर अपॉन डी एफ। तो एक डी आई से एक डी आई, एक डी एफ से एक डी आई, it will be pi di minus pf df बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गए सर। तो अगर मान ले प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा p डेल्टा v, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है इसका, इलाज इतना ही है। समझ गए? यस सर समझ गए सर। हाँ, और कोई इलाज नहीं है इसका, ऐसे ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पर, ले लिए? यस सर यस सर ले लिए सर। पेज नंबर 4 का। तो वर्क डन के कैलकुलेशन समझ गए ना, डाउट है कुछ अभी भी? समझ गए सर। अब इंटरनल एनर्जी जो है ये पॉइंट फंक्शन होती है। एक क्वेश्चन देखो अप्लाई करने के लिए, दिस इज पेज नंबर 4। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे, एक सिस्टम को ए से बी तक लेकर जा रहे हो आप, ए से बी तक लेकर ला रहे हो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट इट इज प्लस 30 जूल है, एंड जो वर्क डन होगा बेटा यहाँ पे इट इज प्लस 10 जूल। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहे हैं डेल्टा क्यू टू, ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे डेल्टा क्यू टू इज माइनस 10 जूल माइनस 12 जूल। वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन समझ गया? एक सिस्टम एक स्टेट ए से कहां तक जा रहा है, स्टेट बी तक जा रहा है। पहले वाले पार्ट में हीट है प्लस 30 जूल और वर्क डन हो रहा है 10 जूल। दूसरे वाले पार्ट में बेटा अगर अमाउंट ऑफ हीट कितनी है 12 है, तो वर्क डन कितना होगा। समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गए। तो यहाँ पे सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर है। एंड डेल्टा यू दोनों पाथ के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सर डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट रहता लगता ना? यस, लगता नहीं, होता है पाथ इंडिपेंडेंट। ये फर्स्ट पाथ के लिए भी इतना ही है और सेकंड पाथ के लिए भी इतना ही है। समझ गए कि नहीं? पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू टू माइनस डब्ल्यू टू, ये सेम रहेगा। डेल्टा क्यू वन कितना बेटा प्लस 30 माइनस ऑफ प्लस 10 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना माइनस 12 माइनस डब्ल्यू टू। आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 20 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू विल बी माइनस 12 माइनस 20 एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस 32 जूल। बराबर है, समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गए सर। अगर हमको इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर करना है तो ये यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा कि ए से बी तक जाने में कितना चेंज होगा, इट इज प्लस 30 माइनस प्लस 10 एंड इट विल बी प्लस 20 जूल। ए से बी तक जाने में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, 20 जूल का चेंज हो रहा है। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। ले लिया सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं हम। तो पेज नंबर 5, अब इसमें डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जैसे सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ जरा।
कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। यस टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या खास बात है। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टी इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इज जीरो। दूसरा इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। बहुत ही स्लो मतलब समझ गए, कितनी स्लो। आपने जन्मदिन पे बलून फुलाया और दीवार पे चिपका दिए, उसकी जो एयर है वो धीरे धीरे क्या होते जाती है, कम होती कि नहीं होती। होती सर, कम होती सर, कम होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल, इतनी स्लो है ना आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें चेंज हमको समझ में नहीं आता कि किस तरह से होगा, सडन चेंज नहीं होता, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। थर्ड पॉइंट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर अपन लगाते हैं तो ये टर्म आपका कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, ये बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ लग रहा है ना। पीवी का ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ लेगा, नहीं। यस सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर वो। हां p इज डायरेक्टली, p भी इज कांस्टेंट मतलब p इक्वल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगेगा यहां पे ध्यान देना। ओके, फिर आते हैं हम लोग वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए, पॉइंट नंबर 4 वर्क डन। एक मिनट इसको ना मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, यहां पे p भी इक्वल टू क्या मान रहे हैं, हमको कांस्टेंट मान रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0, तो dp अपॉन dv किसके बराबर आएगा, माइनस p / v के बराबर आएगा। मतलब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो ऐसी बनेगी यहां पे, इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी tan θ इक्वल्स टू माइनस p / v के बराबर आएगी। और एक और टर्म होता है यहां पे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसो थर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मतलब माइनस ऑफ डीपी डिवाइडेड बाय डीवी अपॉन वी, और इसको सॉल्व कर लोगे तो किसके बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर आएगा। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इस प्रेशर, इस प्रोसेस का कितना होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन लगेगी पी डी भी, फिर सिंस पी भी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन लोग, एन आर टी, तो प्रेशर की जगह पे क्या बन पाएगा, ये एन आर टी अपॉन वी इंटू डी भी, डी आई से लेकर वी एफ, और ये एन आर टी कॉमन जाएगा, इट इज लॉग ऑफ वी, और लिमिट आ जाएगी डी आई से लेकर वी एफ का। तो व्हाट इज द आंसर, इट इज एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन डी आई बचेगा, बराबर है। और बेस 10 का अगर कन्वर्ट कर दोगे 2.303 nrt ऑफ द बेस 10 vf अपॉन vi, और क्योंकि यहां पर देखोगे pi vi इज इक्वल्स टू pf vf, तो vf अपॉन vi है, तो प्रेशर के टर्म पे भी ये लिखा जा सकता है, इट इज लॉग ऑफ pi अपॉन pf के फॉर्म में। सो रिमेंबर दिस, है ना, प्रोसेस को ध्यान रखो क्या क्या हुआ इसमें। वर्क डन का फार्मूला क्या है, एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई, ये नेचुरल लॉग पे बेस 10 में कन्वर्ट कर लोगे 2.303 का मल्टीप्लाई सर। लॉग बेस 10 का जो कन्वर्जन है वो सर एक बार बताओ ना सर, वो आता नहीं सर। आता नहीं लॉग का कन्वर्जन, वो लॉग बेस 10 नहीं करते क्या सर, वो थोड़ा समझा नहीं सर। देख नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स मतलब बेस की है, ये होता है 2.303 एंड log to the base 10 x बन जाता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर समझ गया सर अभी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया अभी, समझ गए क्या, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट इस पे? नो सर स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का जल्दी से ले लिए। यस सर ले लिया सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं। ये थी आइसोथर्मल प्रोसेस।
पेज नंबर 6 अभी। नेक्स्ट है, दो प्रोसेस एक साथ कर रहे हैं यहाँ पे, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक एक ही बात होती है। आइसोमेट्रिक मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, अगर अपन लगा लेते हैं इसमें, ये कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, प्रेशर लॉ लग जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर पी आई अपॉन पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, लेकिन ये पैन में चाहिए आपको, केल्विन में चाहिए, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आएगा इस तरह से, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। थर्ड पॉइंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, वर्क डन इज जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो नहीं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अगर लगाओगे डेल्टा क्यू भी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि ये वाला टर्म कैसा यहाँ पे जीरो है। तो जो भी हीट हम लोग सिस्टम में सप्लाई करते हैं वो पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए कन्वर्ट हो जाती है। अगर हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट बस इसके यही है, यहाँ पे अगर तुम स्लोप देखोगे इसकी, तो स्लोप इसी इनफाइनाइट, ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान पे रखना है। यहाँ पे डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू ये, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, एंड सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा, सी वी को आप लिख सकते हो सी वी इज आर अपॉन गामा माइनस वन, याद है ना पिछली क्लास में करवा दिया था, एंड सी पी इज आर अपॉन गामा माइनस वन, आप उसको ऐसे रिप्लेस करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे थर्ड प्रोसेस, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक, आइसोबेरिक का मतलब समझ गया है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। सेकंड देखो, अभी पी भी इक्वल टू एन आर टी लगा रहा है, तो बी इक्वल टू पी, V1 upon V2 is V1 upon T2, but it is in Kelvin. Graph अगर plot करोगे, PV graph, it is parallel to volume axis. Fourth point, work done. Work done is always P delta V. या फिर ये हो जाएगा P into Vf minus Vi. तो P Vf minus P Vi and R. Pf minus nr pi, so it can also be written as nr delta t. So isobaric process में work done या तो p delta v कर लो या direct nr delta t कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है, internal energy में change कितना होगा, it is always n cv delta t या delta q minus w से निकालना पड़ेगा, और delta q की किसके बराबर होता है बेटा, n cp delta के बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग जाएगा, डेल्टा क्यूटी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सारे पैरामीटर अपन ने यहां पे क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, समझ गए? यस सर, यस सर, समझ गए सर। ये आइसोबेरिक प्रोसेस, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। फिर पेज नंबर 7 पे आते हैं अभी हम लोग, नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट प्रोसेस लेते हम लोग बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस है।
आप लोग बुक से थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आप लोग बुक से सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, ठीक है? थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो बुक से। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सडन प्रोसेस, और इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। कभी कभी फ्यूरियस वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे टायर अचानक ब्लास्ट हो जाए, ठीक है? टायर अचानक ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट मतलब समझ गए, टायर फट गया या ट्यूब फट गया, बलून का फूटना, हाँ, तो बलून है तुमने फुगाया और फूट गया, तो ये जो प्रोसेस है ये सब क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या खास बात है? डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब अगर टाइम नहीं मिलता है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तब डेल्टा यू किसके बराबर आएगा बेटा? माइनस ऑफ वर्डन, या फिर वर्डन किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा यू। और कोई भी प्रोसेस को ध्यान रखना, डेल्टा यू किसके बराबर होता है हमेशा? एन सी वी डेल्टा टी, तो इट विल बी एन सी वी डेल्टा टी से लिखा जाएगा वर्गन, ठीक है? फिर थर्ड पॉइंट हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो लॉ लगेगा यहाँ पे ध्यान देना, पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी आई पी वन बी वन पावर गामा इक्वल टू पी टू बी टू पावर गामा, ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म पे लिखा गया है एडियाबेटिक। ऐसे इसको किसके टर्म पे लिख सकते हैं हम लोग? और अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो अगेन इट विल बी लाइक दैट, बट इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो अलग रहेगी पीवी ग्राफ से, आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ से, एंड टैन थीटा विल बी माइनस गामा पी बाई पी ऊपर, ठीक है? ध्यान रखना आइसोथर्मल में ये गामा नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगेगा? गामा लगेगा सामने, है ना? मैं डिफरेंशिएट करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आइसोथर्मल। और इसका ग्राफ में मतलब उसका भी हाइपरबोलिक था, इसका भी हाइपरबोलिक ही रहेगा क्या सर? क्या बेटा? हाँ, इसका भी हाइपरबोलिक है तो उसका भी हाइपरबोलिक ग्राफ से, सिर्फ स्लोप में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, स्लोप यहाँ पे गामा इनटू पी बाई वी है, है ना? तो उसमें क्या रहेगा सर? उसमें क्या रहेगा सर? उसमें सिर्फ माइनस पी बाई वी होता है आइसोथर्मल। यस सर, समझ गया सर, अभी समझ गया। एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस यहीं पे लिख दूं मैं, फोर्थ पॉइंट, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है डीपी अपॉन माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, इसको सॉल्व करोगे इट विल बी गामा इनटू पी। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है यहां पे? गामा इनटू पी। और आइसोथर्मल में क्या होता है? सिर्फ पी होता है प्रेशर, ठीक है? ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पे आप पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यूज कर लें ना बेटा, ये वाली इक्वेशन में अगर वी को एलिमिनेट कर दूं तो इट विल बी एन आर टी अपॉन पी पूरे की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, तो एक नया रूल बताएगा पी इंटू वन माइनस गामा एंड टी की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, इससे सॉल्व करने पे आ गया है। यहाँ पे पावर गामा आएगी तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन माइनस गामा टी की पावर गामा, एक ये बन जाएगा और एक और ये बन जाएगा, या फिर यहाँ पे प्रेशर को इलिमिनेट करना है अगर अपन, तो एन आर टी डिवाइडेड बाय वी इनटू वी की पावर गामा इज कांस्टेंट, सो नाउ इक्वेशन विल बी टी की पावर वन एंड वी की पावर गामा माइनस वन इज आल्सो कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक लॉ के लिए ये वाला लॉ भी लगता है और ये वाला लॉ भी लगता है और ये वाला लॉ भी लगता है, ठीक है? तीनों सर, ये जो है ना लास्ट वाला, ये PV is equal to NRT, फिर उसके बाद P dash into NRT upon P to the power gamma is equal to constant, वो वाला इक्वेशन बताओ बरा सर, उसमें PV कहा गया सर, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कहा गया? V कहा गया, V, अरे V को eliminate किए ऊपर वाली इक्वेशन में से, PV equals to NRT use करना है, और ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन में से क्या किया अपन ने, वी को हटा दिया, तो वी की जगह पे क्या लिख देगा यहाँ पे?
एन आर टी वाई पी है ना, या फिर पी की जगह पे क्या लिखेगा एन आर टी अपॉन वी। तो यहां पर से मैंने वी को हटा दिया, समझ गए? यस सर। और दूसरी बार क्या किया मैंने, यहाँ पे किसको हटा दिया, पी को हटा दिया, तो पी की जगह पे क्या आ गया, एन आर टी, एन आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा। अभी समझा? यस सर, समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, डायरेक्ट होता है ये क्वेश्चन, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, ले लिया सर। यस सर, कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। तो ये थी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मिटा देता हूं इसको ना। देखो अभी इसमें पेज नंबर 8 पे आते हैं तो, और क्वेश्चन ये लिया मैंने यहाँ पे, एक सिलेंडर है ये ऐसा, इट इज फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर कौन सी गैस भर दी हमने, हीलियम गैस भर दी 2 मोल, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे भर दी हमने, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी बेटा इसका प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम भी कितना, वी नॉट। अब इस गैस को सडनली कंप्रेस कर दिए हमने, सडनली कंप्रेस, समझ गए कि नहीं, सडनली कंप्रेस, कंप्रेस टू वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एट, देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर कितना होगा ये निकालना है, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर, समझ गया, समझ गया ना। मान ले अभी प्रेशर पी नॉट बनता तो ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देख तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है सडनली, सडनली मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई है, एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, सडनली वर्ड इसी में यूज करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इट इज P1V1 की पावर गामा P2V2 की पावर गामा, बराबर है, सो नाउ P2 विल बी P1 इनटू V1 अपॉन V2 पूरी की पावर गामा, P1 कितना बेटा यहां पे P0, और V1 हो गया V0, और ये हो जाएगा V0 बाई 8 पूरी की पावर हो गया गामा, सो नाउ इट विल बी P0, V0 से V0 कट गया, यहां पे 8 की पावर गामा, कौन सी गैस भरी बेटा यहां पे, हीलियम, हीलियम के लिए गामा कितना होता है, कल पिछली क्लास में बताया था मैंने टेबल पे, 3/2 mr2, mr2 कहां से आ गया है, इसको 2 की पावर 3 एंड इट विल बी 3/2, नहीं 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 5/3, ठीक है, मैं समझ गया कि नहीं? यस सर, यस सर, वो मेयर्स रिलेशन से वो गामा की वैल्यू डिराइव की थी, टेबल टेबल लिखवाया था मैंने, सीपी सीबी और गामा के लिए सभी तीनों गैसेस के लिए, ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, ये 3 से 3 कट गया, तो P0 इनटू 2 की पावर 5 32 P0, तो नया प्रेशर हो जाएगा 32 इनटू 180 एमपी 32 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक और टर्म निकालने के लिए बोला यहां पे फाइनल टेंपरेचर, समझ गए कि नहीं? हेलो और अब वैल्यू पुट कर दे, देख आर से आर कट गया, पी आई इज पी नॉट और वी आई इज वी नॉट, पी आई 27 डिग्री है, मतलब कितने कैल्विन हो जाएगा ये, 300 कैल्विन, इट विल बी 300 कैल्विन, Pf कितना हो गया 32 P0 और ये है V0 by 8 divided by Pf नहीं पता अभी निकल गया, देख P0 V0 कट गए, 8 बन जाए 8 हो गया 32, तो Pf की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देख सकते हो आप, Pf will be 300 into 4 1200 Kelvin, समझ गए? यस सर, समझ गए सर, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे n इक्वल टू ऐसा क्यों लिख दिया बता सकते हो कोई, क्या
सर नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना सर, क्योंकि गैस हाँ, उतनी क्योंकि है। पिस्टन के अंदर जो गैस भर दी है वो बाहर लीक नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे बने रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट बने रहेंगे, इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करके आइडियल गैस इक्वेशन लगा के फिर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यस सर, यस सर, अभी समझ गया? कोई यस सर, डाउट अभी इस पे? नो नो सर। सर ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर, ठीक है, ले आज लिया के सर। लिए।